मसीह यसु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। Greetings to all of you in the name of Jesus Christ। मेरे अजीजों, कल हमने कलामे मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8वां भाव और उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक के कलाम को पढ़ा था। Yesterday we read Luke chapter 8 verse 11 to 18। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8वां आयत से लेकर 25वीं आयत तक खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे। एंड टुडे वी विल बी रीडिंग लूक चैप्टर 8 वर्स 19 टू 25। सो खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, फिर उसकी माँ और उसके भाई उसके पास आए, मगर भीड़ के सबब से उस तक पहुंच ना सके। नाउ जीसस मदर एंड ब्रदर्स केम टू सी हिम बट दे वर नॉट एबल टू गेट नियर हिम बिकॉज़ ऑफ द क्राउड। और उसे खबर दी गई कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे मिलना चाहते हैं। Someone told him, your mother and brothers are standing outside, wanting to see you. उसने जवाब में उनसे कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। He replied, my mother and brothers are those who hear God's word and put it into practice. फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए। One day Jesus said to his disciple, let us go over to the other side of the lake. So they got into a boat and set out. मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger. उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा कि साहिब साहिब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। The disciples went and woke him, saying, "Master, master, we're going to drown." He got up and rebuked the wind and the raging water. The storm subsided and all was calm. उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। Where is your faith? He asked his disciples. In fear and amazement, they asked one another, who is he? He commands even the wind and the water, and they obey him. खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। Praise be the Lord. So, इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश है, आपके पास कोई भी prayer request है, तो आप नीचे comment में लिख सकते हैं। And if you guys have any prayer request, make sure you don't forget to comment. आए हम सब अपने सरों को खुदावन की हजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि ऐ बाप आसमानी, हम तेरे पाक कलाम को पढ़ सके और इससे बरकत हासिल कर सके। ऐ बाप आसमानी, मेरे साथ इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन है जिन्होंने तेरे पाक कलाम को सुना है यीशु मसीह के नाम में, ऐ बाप आसमानी तू अपने लोगों को बड़ी कसरत से बरकत दे। ऐ बाप आसमानी, इनके घरों में, इनकी रोटी पानी में, कारोबार में तेरी बरकत हो। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे बंदा पास्टर हशमत को तेरे हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐ बाप आसमानी, तो अपने बंदा पर हाथ बढ़ा और जल्द अपने बंदा को मुकम्मल तौर पर शिफा दे दे, ताकि ऐ बाप आसमानी तेरा बंदा जल्द बिस्तर से फिर से उठे और तेरी अंजील की मनादी कर सके। ऐ बाप आसमानी, तो पास्टर हशमत के पूरे घराने को अपने हाथों में ले और बड़ी कसरत से बरकत दे। इसी तरह बाप आसमानी, मैं साइमा इमरान के लिए तेरे आगे मिन्नत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ऐ बाप आसमानी, तो अपनी बच्ची पर अपना हाथ बढ़ा, रहम कर, बरकत दे, और यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप आसमानी, तो उसे औलाद दे ताकि तेरी बच्ची तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ बाप आसमानी, समीता खान पर तू अपना हाथ बढ़ा, आसिफ और खालदा पर अपना हाथ बढ़ा, इनको बरकत दे और जल्द इनको ऐ बाप आसमानी बेटा दे, ताकि तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी कर सके। इसी तरह ऐ बाप आसमानी, रंजू कोच को तू अपने हाथों में ले, बड़ी बरकत दे, इसके घराने को बरकत दे, और तमाम तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में इनके घर से दूर करता, कि ऐ बाप आसमानी
तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए। इसी तरह बाप आसमानी सना जॉनी को, उनके दोनों बेटों को और उनके बिजनेस को अपने हाथों में ले, बड़ी बरकत दे, और बाप आसमानी अपने लोगों को फजल दे कि हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, तेरी हजूरी में भरते रहे। ऐ बाप आसमानी अयूब पर तू अपना हाथ बढ़ा और तमाम तरह की बीमारी से रहाई बख्श दे। इसी तरह जैकलिन रॉबर्ट को तू अपने हाथों में ले और मुकम्मल तौर पर शिफा बख्श दे। ऐ बाप आसमानी इमरान राजा को तू अपने हाथों में ले, तमाम तरह के थ्रॉट इन्फेक्शन से, चेस्ट इन्फेक्शन से यीशु मसीह के नाम में रहाई बख्श दे। इसी तरह बाप आसमानी पास्टर वसाया को, उसकी पूरी फैमिली को तेरे हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। बाप आसमानी तू अपने बंदे को बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे, और जो भी उनके फ्यूचर के प्लान है यीशु मसीह के नाम में बाप आसमानी तू उन्हें कामयाब कर, ताकि तेरे लोग हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, तेरी हजूरी में आगे बढ़ते रहे। इसी तरह बाप आसमानी में एजाज गिल को, मुनवर को, फारूक सेजल को, शाहिद गौरी को, ताज महमूद को और सहर रंधावा को, इन तमाम लोगों को, इनके घरानों को तेरे हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। अब बाप आसमानी तो अपने लोगों को अपने हाथों में ले, बरकत दे, अपने बेटे यीशु मसीह के फतामंद खून में छुपाए रख, तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कमी ना आने पाए, कोई बीमारी कोई हादसे अब बाप आसमानी इन लोगों पर अटैक ना करने पाए, बल्कि तेरे लोग हमेशा तेरे हाथों में महफूज रहे। अब बाप आसमानी तेरे तमाम कादमों को, मुकदसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ, हर एक के साथ हो, हर एक को अपनी हजूरी में बढ़ा, कसरत से बरकत दे, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। वो सारे लोग जो मसीही होने के बायस इस दुनिया में दुख उठाते हैं, ऐ बाप मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, अपने लोगों को तमाम दुखों से आजाद कर, खसूसन वो सारे मसीही लोग जो मलेशिया में, श्रीलंका में या थाईलैंड में असाइलम सीकर हैं या रेफ्यूजीज हैं, यीशु मसीह के नाम में बाप आसमानी तू अपने लोगों के लिए अच्छे रास्ते बना और अच्छे ममालिक में उनकी रिसेटलमेंट का इंतजाम कर। इसी तरह बाप आसमानी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और यूं ही तेरी बरकत और सलामती हम सब पर हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के पाक कलाम को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जरूर हमारे साथ मिलकर इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।